नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे OnlyAyurved.com के आज के इस YouTube वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, आज हम फेस पर पाए जाने वाले स्पॉट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये स्पॉट्स या धब्बे जो कि आमतौर पर काले रंग के होते हैं, इनके कई कारण हो सकते हैं। कील, मुहासे, ब्लैक हेड्स या सूरज की तेज किरणें और भी कई फैक्टर्स हैं इसके पीछे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पहले भी कई वीडियोस किए हैं और कई दर्शकों ने इसका बेनिफिट भी लिया है। तो अगर बाय चांस किसी दर्शक को इसका बेनिफिट नहीं मिला है तो आज हम जो रेमेडी डिस्कस करने वाले हैं वो ज़रूर करके देख सकते हैं, आपको इसका भी निश्चित रूप से बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कि क्या प्रयोग हैं जो हमें आयुर्वेद ने बताए हैं। इसके लिए जो सामग्री है वो इस तरह से है, 2 चम्मच खीरे का रस, 3 चम्मच गेहूँ का आटा, कुछ तुलसी की पत्तियाँ और पानी। और विधि इस तरह से है, पहले थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों को पानी में मिलाकर इनका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बाकी सामग्री के साथ मिक्स करें और आपका मिश्रण तैयार है। इस मास्क को चेहरे पर अप्लाई करने से पहले फेस को गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें और इस मास्क को फेस पर अप्लाई करें और इसके सूखने का इंतजार करें और सूखने के बाद इसको धीरे से धो लें। तो दर्शकों, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। तो कोई कारण नहीं है कि आप इसको करके ना देखें, आप इसको जरूर करके देखिए और आपके जो मित्रगण हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें। और इस बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट OnlyAyurved.com पर जाकर देख सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर करें, आपको कोई फीडबैक्स कमेंट्स आदि हैं तो हमारे साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं।